जम्मू कश्मीर में मसरत की रिहाई को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सैकड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार मसरत को छोड़ना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है, ये एक गंभीर मसला है। अलगाववादी नेता मसरत की रिहाई को लेकर संसद में मचे बवाल पर पीएम ने बयान दिया। पीएम ने साफ कहा कि इस फैसले के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। पीएम ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के साथ हमें कोई समझौता मंजूर नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि पीएम ने मेरे काम की तारीफ की। ममता की मांग बंगाल के कर्ज को माफ करने की है। इसी तर्ज पर ममता ने पीएम से मुलाकात की थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे और पीडीपी में सोच का बहुत फर्क है। हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। हम में कई बातों पर मतभेद भी है। मुंबई के एक पब में झगड़ा करने के आरोप में बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में मुंबई के एक जज ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। मांझी मंत्रिमंडल के फैसलों को रद्द करने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदम के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक दिन के उपवास पर बैठ गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने घातक हमले में मारी गई भारतीय आईटी सलाहकार महिला की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे इस मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए सूचना मुहैया कराएं। विश्व कप में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी आत्मविश्वास से भरपूर भारतीय टीम कल आयरलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इस जीत के दर्ज करते ही लगातार 9 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड उसके नाम हो जाएगा। फिल्म पीके में न्यूड पोज देकर पहले अभिनेता आमिर खान ने खलबली मचा दी थी। अब बैंग बैंग स्टार ऋतिक रोशन भी कुछ ऐसा ही आशुतोष ग्वारकर की फिल्म मोहनजोदड़ो में करने वाले हैं। इस फिल्म में ऋतिक न्यूड पोज देने वाले हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में इतिहास बनाने से चूकने के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि नर्वस होने की वजह से उनका ध्यान भटक गया था और यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह रही। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।